ओम शांति। हम सभी चाहते हैं हमारे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हो। मेरा बोलना चलना स्नेह वाला हो, प्रभावशाली हो, सभी मेरे से खुश रहे, संतुष्ट रहे, मैं भी सबसे खुश रहूं, संतुष्ट रहूं। तो हम कितना ना कुछ करते हैं अपने रिश्तों को खुश रखने के लिए, लेकिन कई बार ये महसूस होता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं फिर भी सामने वाला वो संतुष्ट नहीं है। वो निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बोलते हैं और फिर हम कहते हैं ये रिश्ता ना बहुत निगेटिव एनर्जी वाला है। ये कभी भी देखो बस सब कुछ निगेटिव ही सोचते हैं। अभी ऐसे रिश्ते को निगेटिव सोच रहे, निगेटिव बोलते, अगर हम ये बार बार बोलते जाएंगे तो क्या इससे वो रिश्ता सुधर जाएगा? चलो वो निगेटिव सोचते हैं तो हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं शुभ चिंतक हूँ, मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं शुभ सोचता हूँ। तो चलो यूज़ करो अपने शुभ चिंतन की एनर्जी को, यूज़ करो अपने शुभ संकल्पों को। यूज़ करते हैं, देखो हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा से उनकी नकारात्मक ऊर्जा को मिटा सकते हैं। पॉजिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिविटी। लेकिन अपने शुभ संकल्पों को अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए पहले मुझे क्या बनना चाहिए? रहमदल, काइंड नेचर वाला। क्योंकि जब तक अगर हम उनके अंदर के अवगुणों को देखते जाएंगे, उनके अंदर की गलतियां देखते जाएंगे, तो हमारे मन में उनके प्रति नकारात्मक भाव पैदा होंगे। और इसलिए रहमदिल बनना माना ये समझना ये आत्मा कमजोर है, बेचारी परवश है, उसके अंदर का ये जो पुराना संस्कार है, हैबिट है, इसके परवश है। इस आत्मा को अभी मुझे सहयोग देना है, मुझे उसको इसमें से बाहर निकालना है, इसके अंदर की अच्छाई को मुझे जागृत करना है। अगर हम ये सोचना शुरू करेंगे तो हम उस आत्मा को मदद कर सकते हैं, हम उसके अंदर की अच्छाई को हम जागृत कर सकते हैं। उसकी अच्छाई जागृत करने के लिए रोज सुबह सुबह जल्दी हम उसके लिए दुआ करें, शुभ भावना भेजें। और वो शुभ भावना कौन सी? सबसे पहले अपने मन में शुभ भावना, ये व्यक्ति अवश्य बदल जाएगा, ये रिश्ता अवश्य सुधर जाएगा। हमारी शुभ भावनाओं में हमारा पूरा विश्वास हो। कई बार हम क्या कहते, जैसे किसी को श्राप देने जैसा बोल देते, ये कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, मेरा हस्बैंड नहीं बदलेगा, मेरे बच्चे की आदत है नहीं सुधरेगी। स्टॉप दिस। अभी हम शुभ भावना दे, आशीर्वाद दे, दुआ करें। और इस दुआ में हमें क्या बोलना है? बहुत प्यार से, विश्वास से हमें बोलना है। उनको सामने लाते हुए, मन के स्क्रीन पर उनको देखते हुए हमें दुआ देनी है। हे आत्मा, आप बहुत अच्छी आत्मा हो। हे आत्मा, आप दिव्य गुणों से भरपूर हो। आप प्रेम के भाव से भरपूर हो। आप शुभ चिंतक हो। आपका और मेरा रिश्ता बहुत अच्छी मित्रता वाला है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे के लिए सिर्फ शुभ सोचते हैं। हे आत्मा,
आपके अंदर का ये जो पुराना संस्कार है, आदत है, ये संपूर्णतया नष्ट हो गई है और आप आपके अंदर की अच्छाइयां, सत्यता, सेल्फ रियलाइजेशन, शुभ भाव सब जागृत हो चुका है, जिससे चारों ओर सभी खुश हो रहे हैं। हे आत्मा, आपका सब कुछ अच्छा हो, अच्छा हो। बस ऐसी दुआ रोज रोज करते जाइए बिना थके हुए। ये दुआ रंग जरूर लाएगी, ये दुआ कबूल अवश्य हो जाएगी। सिर्फ ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं करना, रोज रोज ये दुआ जरूर करना। ऑल द बेस्ट।